दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। देश भर में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतारू है। इसी को लेकर वीरवार को ऊना जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय के एमसी पार्क के बाहर प्रदेश और केंद्र सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई जिला अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें अपनी ऐश परस्ती में मस्त हैं, जबकि देश और प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोक लुभावने वादे करके सत्ता हथियाती रही है। उन्होंने कहा कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के कहर के बीच लाखों करोड़ का पैकेज देने के दावे करने वाली सरकारें जनता को राहत देने की बजाय उन पर बोझ लादने का काम कर रही है। इस वक्त देश का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय चल रही है। आम जनमानस का जो जीना मुश्किल हो गया है और इस वक्त जो खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। आप देख रहे हो कि इस वक्त जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तु है प्याज, उसकी कीमत ही 80 रुपये किलो है और टमाटर की कीमत 80 रुपये किलो है। आलू ही लगभग 60-70 रुपये किलो बिक रहा है और इसके साथ साथ सारे खाद्य पदार्थ जो है महंगे हो गए हैं। सो आज हम महंगाई के खिलाफ ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सेंटर सरकार ने सबसे पहले तेल की कीमतों में आग लगाई। इस वक्त 80 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है और 80 रुपये लीटर ही पेट्रोल बिक रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पहले जो खाद्य पदार्थ जो सस्ते राशन की दुकानों में जो आइटमें मिलती थी उसकी सब्सिडी बंद की और इस समय उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। बाज़ार की कीमत और जो सस्ते राशन की कीमत जो दुकानों की कीमत है लगभग बराबरी के ऊपर है और इसके साथ साथ पहले बिजली का जो दाम है वो बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, बसों के जो किराए हैं वो दुगने कर दिए। सो एक और कोरोना महामारी की मार, कोविड-19 से दिन प्रतिदिन लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है और बीमारी फिर आगे से आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर सरकार की मार, इस वक्त आम जनमानस जो है वो दोहरी मार झेल रहा है। सो आज सभी हमारे कांग्रेस भाई बहन इसके लिए रोज व धरना प्रदर्शन, एक संकेतक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने महंगाई के ऊपर रोकथाम नहीं की, महंगाई के ऊपर लगाम नहीं लगाई तो हम जगह जगह जाके धरने देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्के जाम करेंगे और आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से राजीव भनोट।